सफरा में आके आपन बना के जिंदगी में रखी है तू देवता बना के साजन तेरे लिए। और रही बात आजमगढ़ की, तो मैं बहुत सुनी थी कि आजमगढ़ ऐसा है, आजमगढ़ वैसा है, काफ़ी लोगों ने डराया भी मुझे कि आजमगढ़ में मैक्सिमम गैंगस्टर्स रहते हैं, ऐसे पब्लिक वा मतलब पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी, लेकिन आकर देखी तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे घुमक्कड़ की टीम मौजूद है रानीपुर में, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, और इस वक्त हम लोग एक भोजपुरी फिल्म के सेट पर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के अभिनेता विकास श्रीवास्तव और फिल्म की जो अभिनेत्री हैं, नायिका हैं, प्रियांशु सिंह मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग यहाँ पे आए हैं, पीछे की जैसा आप देख रहे होंगे सेट पे काम चल रहा है, एक फाइटिंग सीन का शूटिंग हो रहा है। अभी अभी एक फाइट सीन शूट हुआ है, इसके बाद विकास जी का शॉट आएगा, लेकिन इसी बीच हम लोगों ने समय निकाल करके बातचीत करने की कोशिश की है दोनों एक्टरों से। अब हम लोग सीधा बातचीत करेंगे फिल्म के इन दो एक्टरों से कि इस फिल्म की कहानी क्या है, किस तरह का किरदार है। अक्सर भोजपुरी फिल्मों के ऊपर कुहरता का आरोप लगता है, अश्लीलता का आरोप लगता है, इसमें ऐसा क्या खास है? और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि फिल्म का टाइटल जो है वो तितली है, जबकि ये अमूमन ऐसा होता नहीं है। भोजपुरी फिल्मों का टाइटल बड़ा ही डिफरेंट काइंड का होता है, जैसे निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ चला ससुरार, इस तरह की टाइटल होते हैं। तो विकास जी से ही बात करते हैं पहले। विकास जी, इस तरह के टाइटल लेने के पीछे क्या कहना? सबसे पहले तो सभी भोजपुरिया समाज को आश्वासन का प्रणाम। मैं इसी आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूँ। और आपकी तितली टाइटल लेने का मकसद क्या है? ये फिल्म एक तितली की इर्द गिर्द घूमती है। तितली मतलब बटरफ्लाई जो उड़ती है, वो तो होता ही है, बट यहाँ पे तितली एक टैटू से रिलेटेड है, जो हम लोग टैटू लगवाते हैं उससे संबंधित है तितली। और इस फिल्म का बहुत ही मेजर पॉइंट है तितली, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना तितली को ही इस फिल्म का टैटू करें। जी, तितली को ही के माध्यम से बेस बना के लड़का जो है लड़की को पसंद करता है, पहली मुलाकात का ही आधार ही तितली है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट रखा गया कि टाइटल तितली है। इसमें क्या किस तरह का फिल्म है, फैमिली ड्रामा है या सस्पेंस थ्रिलर, किस तरह? बिल्कुल कंप्लीट फैमिली ड्रामा है। आपको इसमें एक्शन, इसमें रोमांस, गाने बहुत अच्छे, संगीत बहुत अच्छे दिए गए कमलेश प्रजापति द्वारा, और इसमें आप कंप्लीट ये सिनेमा है, आप पूरी फैमिली के साथ जाके आप देख सकते हैं। और हम लोग फुल टीम लगी हुई है, रातों दिन काम चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी खराब हो गई है, 24 घंटे कैमरा ऑन है, काम चल रहा है, और कंप्लीट फैमिली ड्रामा है। आप लोग बिल्कुल, और फुहरता और जो वल्गरिटी की बात होती है भोजपुरी में, इसमें आप बिल्कुल नहीं पाओगे। जब हमने मुहूर्त पे आपसे बातचीत किया था तो आपने कहा था कि ये आम भोजपुरिया फिल्मों से अलग हटके होगी, मैंने रिस्क लिया है कि कम से कम साफ सुथरी फिल्में बने, तो क्या आप अपनी उस बात पे कायम, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली? 100% डेफिनेटली, ये एकदम फैमिली मूवी है, और आप बिल्कुल इस बात से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपको कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप फैमिली के साथ या अपने माँ बहन बेटी के साथ देख नहीं देख सकते, आपको सब कुछ मिलेगा। ये आपके टीवी चैनलों पर भी आएंगे। जी, मैं प्रियांशु से भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ लौटता हूँ। प्रियांशु, आप बताएं अपना परिचय दें, कहाँ की रहने वाली हैं? नमस्कार पहले तो सभी को। मैं रहने वाली हूँ ऐसे उड़ीसा की, लेकिन मेरा उड़ीसा की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा जन्म जो है वो आरा में हुआ है। तो हाँ, मैं बिहारी ही हूँ। लोगों को आमतौर पर ऐसा लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं मुंबई की हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ रहने वाली आरा की है। मुझे भोजपुरी भी बहुत अच्छे से आती है, बिहारी भोजपुरी, जो बिहार की खास तौर पे होती है मैथिली भाषा, उसमें मैथिली नहीं आरा, मतलब जो नॉर्मल हमारी फिल्मों में लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ना, वो प्रॉपर भोजपुरी लैंग्वेज ही। क्या बोल के सुनाई, हम पूरा इंटरव्यू भोजपुरी में दे सकी, पूछ ही रहोगे क्या पूछे के बाद। देख लीजिए, ये प्रियांशु का जो बोलने का तरीका है पूरा भोजपुरिया है, हालांकि मैं इस तरह से अगर बोलना भी चाहूँ तो नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए प्रियांशु, आप इससे पहले भी किसी अन्य मूवी में काम कर चुके हैं? जी, इससे पहले मैंने एक फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था जो समर सिंह का था, जिसका नाम है लाल चुनरिया वाली के दिल में। उसके बाद मैंने गौरव झा के साथ एक फिल्म किया जिसका नाम है सैया है अनाड़ी, एंड दिस इज माई फर्स्ट फिल्म एज अ लीड।
एक में आप पहली बार केंद्रीय भूमिका, ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं एज ए लीड कर रही हूँ, सो थैंक्स अ लॉट विकास जी को, थैंक्स अ लॉट जो हमारी प्रोड्यूसर जी हैं, इनके फादर जी। आइटम नंबर करना, उसके बाद लीड कैरेक्टर को प्ले करना, कितना डिफरेंट है? सर इट्स अ ड्रीम ना, ये मेरा सपना था तो इसके लिए मैंने मेहनत किया, वो मेहनत दिखनी चाहिए तभी तो मुझे आगे जाके समझ में आएगा कि मैंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया है। सो आइटम सॉन्ग करना ऐसा नहीं है, मैं काम कुछ भी कर सकती हूँ बिकॉज मैं वही करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो आइटम सॉन्ग करना ये था कि एक लिंक बनेगा मेरा इस इंडस्ट्री में, जो कि हुआ। तो आइटम सॉन्ग देन सेकंड मूवी में सेकंड लीड किया है मैंने गौरव झा के साथ, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म एज अ लीड, एंड इसके बाद मैं होप करती हूँ कि मैं लीड ही करूँगी बिकॉज वो ड्रीम है मेरा, सपना है। ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड लीड नहीं कर सकती हूँ, करूँगी, वो भी करूँगी। किरदार अगर दमदार रहा तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर, स्क्रिप्ट वही है, स्क्रिप्ट मेन क्या है जानते, भोजपुरी में हो या हिंदी में हो या साउथ में हो, कहीं भी मेन होता है स्टोरी, हीरो हीरोइन तो बाद में आते हैं सर, स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो कि इस फिल्म की है। मैंने जब स्टोरी पढ़ा तो वो एक होता है ना कि दिल को छू के निकलता है, तो ये जो स्टोरी है बहुत ही खूबसूरत है। जब आप मूवी को देखेंगे तो खुद मुझे लगता है शायद मूवी देखने के बाद एक बार आप इंटरव्यू लेने के लिए आ जाएं। क्या क्या आपका रोल क्या है, क्या प्ले कर? सर मेरे लिए तो बहुत ही नया है जो मैं प्ले कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा। मैं इसमें इनकी वाइफ बनी हुई हूँ, गलती से बन गई हूँ गलती से बन गई मूवी में मैं गलती से इनकी वाइफ बन गई हूँ, पर फिर किस तरीके से प्यार हम दोनों के बीच में डेवलप होता है एंड जिस तरीके से फैमिली ड्रामे को दिखाया गया है विदाउट एनी वल्गैरिटी, तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे पता है आई एम डैम श्योर कि ये पब्लिक को बहुत पसंद आने वाली है। छोटा सा सवाल और, आप आरा में जन्म लेती हैं, मुंबई रहती हैं, फिर उसके बाद विकास आपको आजमगढ़ के गांव-गांव में घुमा रहे हैं, दो दो बजे रात तक आप लोग शूट कर रहे हैं, तो आजमगढ़ में क्या क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? सर दो दो बजे रात तक शूट करने का नतीजा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि फिल्म एक टारगेट के अंदर ही कम्प्लीट हो जाए एंड हम लोग मेक श्योर हैं कि वो कम्प्लीट हो जाएगा। और रही बात आजमगढ़ की, तो मैं बहुत सुनी थी कि आजमगढ़ ऐसा है, आजमगढ़ वैसा है, काफ़ी लोगों ने डराया भी मुझे कि आजमगढ़ में मैक्सिमम गैंगस्टर्स रहते हैं, ऐसे पब्लिक का मतलब पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी, लेकिन आकर देखी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हर जगह पे इंसान ही रहते हैं, हर जगह पे बुरे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं, कहानियाँ हर जगह की प्रचलित है। यहाँ के लोगों को बिहार के बारे में ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को बिहार के बारे में बोला जाता है, बिहार के लोगों को यूपी के बारे में बोला जाता है, मुंबई के लोगों को दिल्ली के बारे में बोला जाता है, दिल्ली के लोगों को मुंबई के बारे में बोला जाता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर और हम किसके साथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंसानियत हर जगह है और जानवर हर जगह बोले हुए राज्य के साथ काम कर रही हैं। अक्सर ये होता है कि दो अभिनेता एक दूसरे का जब आकलन करते हैं या तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं या तो कुछ अलग से निकल के आता है जो कहने लायक नहीं, तो एक एक्टर के तौर पे विकास कितने कोऑपरेटिव? तो सर मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कोई मीन्स भोजपुरी में कोई इतना कोऑपरेटिव हो सकता है, सो बहुत ही ज़्यादा ही कोऑपरेटिव है। मुझे ही नहीं, इस प्रोडक्शन में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर कोई भी हो, ये हर इंसान को इक्वली देखते हैं। सबके खाने से लेकर सबके आने जाने तक का, जब तक सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती ये सेट पर ही रहते हैं। मैं हालांकि मेरा काम खत्म होता है तो मैं चली जाती हूँ, और इनका जो मैंने देखा है बर्ताव, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत आगे जाएंगे, भगवान करे मुझसे जल्दी ये मुझसे आगे जाएं सो ये ऐसा होगा बिकॉज जो इनका बिहेवियर है, आई लिटरली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच विकास जी कि इतना ज़्यादा आपने प्यार दिया, इतना ज़्यादा सम्मान दे दिया आजमगढ़ में कि मैं तो बार बार यहाँ आना चाहूँगी। विकास आप अपने बारे में और क्या बताना चाहेंगे? आपकी ये फर्स्ट मूवी है, इसके पहले भी आपने कुछ में काम किया है, जो कुछ भी आपने अब तक भोजपुरी फिल्मों के क्षेत्र में या एल्बम वगैरह जो भी होता है उसमें कितना काम किया आपने हमारे लिए? तो काम तो खूब भर के गया है। सबसे पहले मैं बेसिकली एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, लगभग तकरीबा 15-17 साल का है। आज के संतोष श्रीवास्तव हुए, अभिषेक हमने साथ में रंगमंच सीखा है, किया भी है, तो बहुत कम उम्र से लगभग 10th year से शुरू कर दिया था रंगमंच करना। इंडिया के लगभग हर कोने में जा चुका है। उसके बाद में महुआ चैनल पे सीरियल में आया था, डीडी नेशनल पे काम किया, फिर एज ए सिंगर बड़े आर्टिस्ट के साथ उनकी सुनाई अंतराज सिंह के साथ में काफ़ी अलग 2-3 मिलियन पे ठीक है। उसके बाद जब मेरे को लगा कि मुझे एक मूवी बनानी थी, तभी एक अच्छी आइडेंटिफिकेशन मिली, को हो पसंद वही बात करेंगे। प्रियांशु ने कहा कि आप अच्छा गाना गाते हैं, हालांकि मैं पूछने वाला था लेकिन आपने बता दिया, तो शुरू हो जाए प्लीज। नहीं, दो लाइन मैं क्या गाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही आवाज़।
सपना में आके आपन बना के जिंदगी मेरा खब तो है देवता बना के साजन तेरे लिए मोरे साजन तेरे लिए। आवाज आपका नंबर मैं मुझे इस फिल्म के एक भी सॉन्ग अभी तक याद नहीं है तो क्या गाऊं क्या है तो उसके लिरिक्स क्या है सपना में आके आपन बना के आई ट्राई माय बेस्ट लेवल। कृपया करके कान बंद कर ले सभी लोग। सपना में आके आपन बना के आगे सपना में आके आपन बना के जिंदगी में रखी है तू देवता बना के साजन तेरे लिए। उसी फिल्म का ये गाना है। आप पत्नी अपने पति से इतनी मिन्नतें कर रही है और हम विकास आपसे अंत में ये पूछना चाहेंगे कि आप आपको अपनी इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं और दर्शकों से क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में। उम्मीदें खूब भर के अच्छी खासी है। सबसे पहले तो इस फिल्म में हम लोग तो खैर ठीक है अभी फिल्म का करियर स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ सारे ही नए नए हैं तो अयाज खान और संजय वर्मा सत्यप्रकाश सिंह सुनील दत्त जैसे जो लोग आज इंडस्ट्री में बिल्कुल अपना एक लोहा मनवा चुके हैं वो लोग भी हैं और इसमें संगीत वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पूरी उम्मीद करता हूँ कि 100% मार्केट में धूम मचाएगी और आने वाले समय में हम और भी अच्छी कोशिशें करते रहेंगे अच्छी अच्छी मूवी आप सभी के सामने। फिल्म के बारे में इसकी सफलता को लेकर के जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं जब फिल्म बन के तैयार होगी तो दर्शकों से क्या अपील है थिएटर तक जाएं और बाकी दर्शकों से क्या अपील करेंगे इस फिल्म को जो कि आपने बताया कि विशुद्ध रूप से भोजपुरी फिल्म है अपनी परंपराओं को निर्वाहन करेगी ये वल्गैरिटी से दूर। वल्गैरिटी सर एक वर्ड भोजपुरी के लिए यूज़ किया जाता है। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें सिर्फ भोजपुरी में होती है हैं सभी जगह हाईलाइट कर दिया गया है भोजपुरी को ऐसा नहीं है कि ये बाकी फिल्मों में नहीं है हैं इवन भोजपुरी से ज़्यादा है। बट एक कहा जाता है ना कि जो इंसान मुंह पर बोल देता है वो खराब हो जाता है। भोजपुरी में नहीं मैंने पंजाबी में भी काम किया है। मैं उड़ीसा की बहुत अच्छी जानी मानी ही आर्टिस्ट रह चुकी हूँ हालांकि मैंने वहाँ फिल्म नहीं की है मेरे सॉन्ग्स वहाँ बहुत फेमस हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ उड़िया में क्या सुनाऊँ मेरा खुद का ही सॉन्ग है चांदनी करके एक सॉन्ग है तो उसका एक लाइन है तुते दिखला दीनू मुई तोरे ठाणे फसी गोला ये उसका है। मुझे भी एक्चुअली लैंग्वेज पूरा प्रॉपर बोलने नहीं आता है समझ में पूरा आता है मुझे पढ़ने आता है लिखने आता है उड़िया बट मैं बोल नहीं पा रही। दर्शकों से क्या अपील करें फिल्म के लिए दर्शकों से यह अपील करना चाहूँगी कि हमने अपना मेहनत इस फिल्म पर दिखा दिया है। आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है कि थिएटर जाएँ पूरी फैमिली के साथ जाएं एंड आई एम डैम श्योर कि आप फैमिली के साथ अगर थिएटर से बाहर निकलेंगे तो कभी भी आप शर्मिंदा होकर नहीं निकलेंगे। बहुत ही अच्छी फिल्म है ये इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि आप बहुत ही खुश होकर निकलेंगे एंड अगर आप लोग देखने जाएंगे तो ऐसे ही हम दोनों हो सकता है और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आगे लेकर आएँ तो आप लोगों से गुजारिश है कि जाएँ थिएटर और इस फिल्म को देख कर आएँ। थैंक यू। संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं मुझे बताया गया है कि उन्होंने खेसारी लाल यादव और भोजपुरी फिल्मों के बड़े बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है और 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है तो इनकी भी भूमिका हम समझ लेते हैं जान लेते हैं। सर तितली में क्या आपका क्या सबसे पहले तो मैं ये CIB के सारे दर्शकों को नमस्कार मैं संजय वर्मा और इस फिल्म में जो तितली है इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ओम जी और प्रोड्यूसर हमारे भाई जी हैं हीरो भी हैं और ये हमारी हीरोइन है बहुत बेहतरीन सिनेमा ये लोग बना रहे हैं और मेरा जो किरदार है कॉमिक विलन उसे कॉमिक में करता हूँ लेकिन उसे थोड़ा सा कॉमिक और निगेटिव मिक्स है और हमारा बाप विलेन इसके तीन भाई हैं मेरे तीन भाई हैं लेकिन कहानी नहीं देखेंगे मतलब और हर परिवार में होता है ना कि कुछ गंदे होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं तो मैं अच्छा हूँ इस टाइप मेरा किरदार।
विलेन को हमेशा हीरो से पिटने का डर रहता है, इसीलिए हीरो विलेन दोनों साथ में हैं, तो कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ। तो हमने बात किया तितली के सेट पे, यहाँ पे शूटिंग चल रही है। हमने फिल्म के अभिनेता जो जिन्होंने मुझे बताया कि वो थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो मैं अपनी बात से अपनी तरफ से इस बात की जमानत ले सकता हूँ कि निसंदेह बेहतरीन अदाकारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे थिएटर आर्टिस्टों को करीब से देखा है, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से अश्योर करा देना चाहता हूँ कि इसमें अभिनय का चरम आपको देखने को मिलेगा। वहीं हमने चार्मिंग एक्टर्स प्रियांशु सिंह से बात किया, जो अपनी पहली लीड कैरेक्टर की फिल्म कर रही हैं। हमने संजय वर्मा जी से भी बात किया और सारे कलाकार उत्साह से लबरेज हैं। हमारी न्यूज़ टीम की भी शुभकामनाएं हैं कि इनका मेहनत जो ये कर रहे हैं, रात में 2-2 बजे तक शूटिंग कर रहे हैं, इन सभी की मेहनत कामयाब हो और जब ये फिल्म बन के तैयार हो जाए तो आप भी थिएटर जरूर पहुँचें, इस फिल्म को आशीर्वाद देने, प्यार देने, क्योंकि इनका दावा है कि इन्होंने एक साफ सुथरी कोशिश की है, भोजपुरी को उसका वापस जो खोया हुआ गौरव है उसको वापस दिलाने की एक साफ सुथरी इनकी कोशिश है। तो इनकी कोशिशों को आप लोग परवाज दीजिए, उड़ान दीजिए और थिएटर सिनेमा हॉल तक जरूर जाइए। हमसे बातचीत करने के लिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।